ओम गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों हाजिर हुआ आज फिर मैं देखिए आपसे एक विशेष वार्ता को लेकर। वार्ता बताऊं तो उसका थंबनेल बताऊं, उससे पहले निवेदन करूं कि मेरे चैनल पर जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन करके अगर उसमें ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों देखिए अभी मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ, जो भी चर्चा कर रहा हूँ वो चंद्र राशि पे आधारित है, नाम राशि लग्न राशि से भी देख सकते हैं। और देखिए जाते जाते कुछ कमेंट करना चाहें जरूर करिए, अच्छा लगे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और देखिए भगवान गणेश को आशीर्वाद पाना है अगर आपको तो जाते जाते कमेंट में महागणेशाय नमः लिखिए, गणपते नमः लिखिए, या आपके जो इष्ट हैं उनको लिखिए, जय माता दी लिखिए, जय श्री भगवान राम लिखिए, जय हनुमान लिखिए। मेरा दावा है आपको ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो मित्रों अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी चर्चा का विषय क्या है, देखिए मैं शनि के ऊपर बात करता आ रहा था, शनि के और राहु के ऊपर मैंने बातचीत की थी मैंने। और देखिए शनि जो है बहुत जल्दी यानी बहुत जल्दी मीन्स 29 मार्च 2025 को अपने स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। स्थान परिवर्तन का मतलब कुंभ राशि को छोड़ करके 29 मार्च 2025 को जा रहे हैं कहाँ पर, अगली राशि यानी मीन राशि। तो मीन राशि में अभी तो देखिए यहाँ पर मई तक तो शनि राहु के साथ रहेंगे तो राहु शनि दोनों ही मिश्रित फल देंगे। मैंने बताया राहु शनि दोनों मिलके बहुत अच्छा फल देते हैं, उसकी मैंने अलग से शायद चर्चा की है कि राहु और शनि दोनों एक राशि में बैठ के कैसा फल देंगे। लेकिन अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि शनि के कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में आने पर, तो देखिए मीन राशि से अगली राशि जो है जिस राशि में शनि आते हैं उससे एक राशि अगली और एक राशि पिछली, यानी चंद्रमा से बारहवीं राशि में शनि जब आए तो एक राशि अगली मतलब मेष राशि और एक राशि पिछली कुंभ राशि, तीन राशियां प्रभावित होती हैं। ढाई ढाई साल का असर जैसे बताते हैं ना शनि एक राशि में रहते हैं तो अभी ढाई साल जब रहेंगे मीन राशि में तो मेष राशि का जो 7.5 साल लग जाएगी और पहले 2.5 साल लगेंगे, और जब मेष राशि में आ जाएंगे 2.5 साल बाद तो मेष राशि के दूसरे 2.5 साल आ जाएगी रहिया और वृष राशि पे पहली रहिया शुरू हो जाएगी, वृष राशि पर लग जाएगा शनि की 7.5 साल और पिछली राशि कुंभ राशि से छूट जाएगा। इस समय मकर राशि छूट जाएगी क्योंकि जब शनि मीन राशि में जाएंगे कुंभ राशि से निकल के तो मकर राशि पे असर खत्म हो जाएगा शनि का और मकर राशि की 7.5 साल खत्म हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शनि अब जो है 29 मार्च 2025 से मेष राशि को भी प्रभावित करेंगे अपनी 7.5 साल से, और ये 7.5 साल यानी 7.5 साल तक रहेगी। 29 मार्च 2025 से लगा लीजिए 32 तक जाएगी, सन 32 तक। तो मित्रों सन अब बहुत से मैंने देखा है, बहुत से ज्योतिषियों ने पंडितों ने बताया मेष राशि वालों को बहुत डरा दिया है। मैं देख रहा था लिटरेचर को, देख रहा था चैनल्स को, देख रहा था कि बहुत ज्यादा भयानक रूप से मेष राशि वालों को सावधान कर रहे हैं कि मेष राशि वाले हो जाइए सावधान, अब 7.5 साल आ रही है शनि, शनि का प्रकोप झेलना पड़ेगा। पर मैं बताऊं अपनी थ्योरी से, देखिए मैं बताता हूं, हमेशा कहता हूं कि शनि कभी किसी के शत्रु नहीं है, शनि आपके मित्र हैं, शनि से डरना नहीं है। क्या करना है, अपने बस काम को सुधार लीजिए, अपने काम को यानी अपने आप को सुधार लेंगे तो शनि का आशीर्वाद पाएंगे, शनि से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है।
और मैं बता दूं अभी 30 साल पहले जो आपकी हालत थी, यानी आप 2025 में जो आ रहे हैं, तो 2025 में से 30 साल कम कर दीजिए, यानी 1995 में, तो 1995 में भी आपके 7.5 आई होगी, और वो 1995 से 7.5 साल कैसे बीते हैं वो लगा लीजिए आप, जैसे तब बीते थे उससे खराब नहीं बीतेंगे अब, वैसे ही अब बीतेंगे। शनि ने आपको तब दंडित किया था तो अब भी दंडित करेंगे, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं, और शनि आपके उस समय प्रसन्न से आपका अच्छा आशीर्वाद के गए हैं, आपको धन धाने से और शुभ से कृपा की है, तो इसका मतलब आपके कर्म अच्छे हैं, शनि आपसे प्रसन्न है, तो शनि आपको इस 7.5 में भी प्रसन्न करके जाएंगे। भाई मेरा तो अपना अनुभव यही है, और मैं और लोगों की कुंडलियों को भी देखा है मैंने, और मेरा अपना पर्सनल अनुभव यही है कि मेरे तो 1995 में 7.5 आई थी शनि की, 1995 में 7.5 आई तभी मैंने गाड़ी खरीदी, 1996 में मैंने अपनी बेटी की शादी की, 1999 में दूसरी बेटी की शादी की, और दोनों ही अमेरिका में सेटल्ड है, दोनों ही अमेरिका की नागरिक हो गई हैं, अच्छा खासा उनका हस्बैंड का बिजनेस, बिजनेस क्या मतलब कंप्यूटर इंजीनियर, दोनों अच्छा काम चल रहा है, और मकान दो दो मकान बने हुए उनके। और देखिए उसके बाद 2002 में मैंने अपने बेटे की शादी की, और मैं हार्ट पेशेंट था तो 2002 में ही मेरा बाईपास सर्जरी हुई। जब शनि की 7.5 उतरने को थी तो शनि उतरते उतरते मेरा बाईपास सर्जरी करा के, यानी मेरा हार्ट का ऑपरेशन करा के हार्ट की समस्या में समाधान करके गए। 1995 से लेकर के और 7 साल लगाई, 7.5 साल 2002 तक शनि ने मेरे पर तो कृपा करी। तो अपने भाई कर्मों को सुधार लो, लोगों को परेशान मत करो, गरीब लोगों को तंग मत करो, सफाई कर्मचारी, लोअर कर्मचारी, मजदूर लोग, उनको जितना मदद कर सकते हो मदद करो, खाना खिला सकते हो खाना, पैसा मत दो खाना खिलाओ, दवाई दारू कर दो, दवाई दिला दो उनको, पैसा मत दो, दवाई चाहिए बाजार में दुकान पे जाओ दवाई दिला दो, अस्पताल से दवाई मिली है अस्पताल में किसी डॉक्टर को दिखा दो। तो जितनी गरीबों की आप सेवा करेंगे, जितने ही लोअर कर्मचारियों की सेवा करेंगे, उतना ही शनि आपसे प्रसन्न होंगे, फिर शनि की कोई शत्रुता की बातें नहीं है, और आपके आचरण भ्रष्ट होंगे, रिश्वत लेंगे, बिना पैसा लिए लोगों का काम नहीं करेंगे, लोगों को भगा देंगे अपने पास से डांट डपट करके, कोई छोटा आदमी आएगा उसको भगा देंगे, उसका काम नहीं करेंगे, तो भाई फिर तो शनि की प्रताड़ना मिलेगी मिलेगी, चाटा खाएंगे फिर तो आप, नुकसान होगा, बीमार पड़ेंगे, धन की हानि होगी, नौकरी की हानि होगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये 7.5 जो अब आ रही है 29 मार्च 2025 है, तो जो लोग कह रहे हैं मेष राशि वाले सुधर जाओ, मेष राशि वाले अब शनि की मार पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ यस, शनि की मार पड़ेगी अगर आपने गड़बड़ काम किया है, शनि की मार पड़ेगी अगर आप बेईमानी कर रहे हैं, शनि की मार पड़ेगी अगर आप घोटाले कर रहे हैं। यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है, कहीं और जगह स्वर्ग नरक नहीं है, कोई और लोक नहीं है, सब कुछ यहीं पर होता है। तो शनि से आपको अगर प्रताड़ना पानी है तो आप फिर करिए मनमानी, वरना तो अगर आप अच्छा कर्म करेंगे और किसी को तंग नहीं करेंगे, आलस नहीं करेंगे, मेहनत से काम करेंगे अपना, तो शनि का आशीर्वाद तो मिलना ही है, फिर तो सब कुछ मिलना है अपने आप ही, तीव्र गति से सारे काम होते जाएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। भाई मैंने बता रहा हूँ सच, मैंने कुछ भी नहीं किया, बेटियों की शादियों में लोगों की चप्पल घिस जाती हैं, मैं तो घर बैठे बड़े आराम से दोनों लड़के मिल गए और दोनों शादियाँ बड़े आराम से हो गई, और दोनों बेटियाँ अमरीका चली गई, और मैं भी अमरीका कई बार आया उसके पास, उनके पास उनको देख आया, उनके घर रह के आया, जैसे लोग कहते हैं भाई पता नहीं कहाँ शादी कर दी आपने, खुद तो देखा होता तो मैं गया वहाँ कई बार, अब तक 6-7 बार अमरीका जा चुका हूँ, उनके पास रहा हूँ, मेरी पत्नी भी साथ साथ गई, सब देखा। तो मैं तो समझता हूँ शनि की कृपा बहुत मिली मेरे को, तो और मैं मेष राशि का हूँ, फिर 7.5 आ रही है, इसीलिए मैं आप सब लोगों को बता रहा था कि जो मेष राशि वाले मेरे को सुन रहे हैं, वो कृपया अपने कर्मों को सुधार लें बस, और फिर देखिए शनि का आशीर्वाद पाएं। अभी देखिए शनि जो आएंगे मीन राशि में, तो मेष राशि के 12वें भाव में आएंगे, 12वें भाव में आकर के देखिए, पहले बता दूं मैं आपको,
बारहवें भाव खर्चे का भाव होता है। और राहु वहां से एक महीने बाद मई में करीब वहां से निकल के कुंभ में आ जाएंगे, तो राहु का शनि का एक्सचेंज ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो अब खाली शनि रह जाएंगे बारहवें भाव में। देखिए विदेश भाव से आपको, अगर आपने अच्छे कर्म किए अच्छे हैं तो विदेश भाव से लाभ दिलाएंगे। विदेश भाव से आपको विदेश भेज सकते हैं, विदेश गमन करेंगे आप, विदेश व्यापार करेंगे, विदेश में नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे। और अगर आपने, देखिए खर्चा तो होगा, विदेश जाएंगे तो खर्चा तो होता ही है, तो वो खर्चा तो भुगतना पड़ेगा, उसके बाद की आमदनी भी होगी। लेकिन बाहर में बाबा बैठ करके धन का नाश, अगर आपने जो है अच्छा कर्म नहीं किया है, आप व्यभिचारी हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप आलसी हैं, आप तो भाई आपका धन का नष्ट होगा, बीमारियों में धन का नष्ट होगा, अस्पतालों में जाना पड़ेगा, अस्पतालों में भर्ती होंगे, हड्डियों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर से नीचे के पोषण की बीमारियां आपको झेलनी पड़ेंगी, रीढ़ की हड्डी का दर्द, ये सब शनि की कोप मिलेंगे आपको। बारहवें भाव में शनि आपका बड़ा धन का खर्चा कराएंगे, धन का नाश कराएंगे, याद कर लीजिए। मैं अभी डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ कि अपने कर्मों को अच्छा कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, शनि के द्वारा किया हुआ धन का नाश कहाँ से पूर्ति होगी? देखिए वहां उसकी पूर्ति बृहस्पति देव करेंगे। देव गुरु बृहस्पति की स्थिति देखिए, अभी मेष राशि वालों के लिए धन भाव में है और एक साल रहते हैं देव गुरु एक भाव में। अब एक साल तो नहीं रही, अब तो टाइम कम हो गया, तो अब लेकिन तो भी जब शनि खर्चा करा रहे होंगे बारहवें भाव से, देव गुरु बृहस्पति आपको देखिए पूरी साल दूसरे भाव में बैठ करके, हालांकि कभी उनकी जो है बदलेगा, नक्षत्र बदलेगा, कभी कुछ होगा। अभी तो खैर बकरी होने वाले हैं, अभी तो बकरी होंगे बाद में फिर, लेकिन जब शनि जाएंगे मार्च में, उसके बाद देव गुरु बृहस्पति धन भाव से धन दिलाएंगे। तो जो भी आपका नष्ट धन होगा बारहवें भाव से शनि की वजह से, वो देव गुरु बृहस्पति कंपेंसेट कर देंगे, पूरा कर देंगे। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देखिए वृषभ भाव 2025 में वृषभ राशि में रहेंगे, धन आएगा। जितना शनि आपको मीन राशि में बैठकर खर्चा करा रहे हैं, यानी अगले साल फिर 2026 में मिथुन राशि में आ जाएंगे बृहस्पति। मिथुन राशि से भी आपको देखिए बृहस्पति तो हमेशा लाभ दिलाते हैं, जहां जहां उनकी वहां से दृष्टियां पड़ेंगी मिथुन राशि से, आप देख लीजिए पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, नवी दृष्टि। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा अपने धर्म कुंडली में तीसरे भाव मिथुन राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो तीसरे भाव में से जो है दृष्टि जो पड़ेगी बृहस्पति की पांचवी सातवीं नवी। तो मेष राशि वालों के लिए तो 1, 2, 3, 4, 5 सातवें भाव पे यानी परिवार कुटुंब दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा, और नवे भाव पे मतलब भाग्य वर्धन कर देंगे, भाग्य वर्धन होगा और लाभ भाव पे दृष्टि पड़ेगी, तो लाभ ही लाभ। यानी मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में बैठ करके यानी जो बृहस्पति देव हैं, और इसका देखिए शीर्ष जो त्रिकोण जिसमें बैठे हुए हैं, इसका शीर्ष सप्तम भाव में है। तो धर्म अर्थ काम, काम त्रिकोण में बृहस्पति बैठे हुए हैं। काम त्रिकोण का मतलब ये नहीं है काम वासना, काम का त्रिकोण मतलब आप काम करेंगे, कर्म जितना कर्म करेंगे उतना लाभ पाएंगे। क्यों? बृहस्पति तीसरे भाव में, तीसरे भाव का मतलब पराक्रम भाव, परिश्रम भाव, परिश्रम तो कराएंगे, परिश्रम कराएंगे उतना ही शनि का जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी, और शनि की नेगेटिविटी खत्म होगी और बृहस्पति यहाँ बैठ करके आपके लाभ भाव से लाभ दानी धन दिलाएंगे। तो ये बहुत यानी जब नेगेटिविटी आएगी शनि की 2026 में, मिथुन राशि में बृहस्पति बैठे हुए आपको धन का लाभ दिलाएंगे, आपके दृष्टियों से भी लाभ दिलाएंगे। और फिर 2027 में कर्क राशि में आ जाएंगे बृहस्पति, कर्क राशि में चौथे भाव में शुक्र भाव में बैठ करके, तो देखिए आप धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष त्रिकोण के शीर्ष पर बैठे होंगे उस समय, और मोक्ष त्रिकोण के शीर्ष पर बैठ करके चौथे भाव से देखेंगे जब दसवें भाव को,
जॉब में तरक्की दिलाएंगे, जॉब में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रमोशन दिलाएंगे, सुख साथ लोग की वृद्धि कराएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो शनि पर दृष्टि पड़ेगी, तो बृहस्पति शनि पर दृष्टि पड़ेगी, बृहस्पति आपको विदेश भिजवाएंगे, आप विदेश गए तो देखिए विदेश से लाभ मिलेगा आपको, विदेश में धन कमाएंगे, विदेश व्यापार से धन कमाएंगे, तो 2027 भी आपको बृहस्पति कृपा से लाभ ही लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद जब शनि देखिए मेष राशि के बाद फिर जाएंगे वृषभ राशि में, नहीं 2.5-2.5 साल बाद समझ लीजिए, तो 2.5 साल में थोड़ा आगे बढ़ गया 2030 में, 27, 28, 29 तो बृहस्पति कृपा करते रहेंगे। जब 2027 में मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में शनि आ जाएंगे, अगली ढैया शुरू हो जाएगी, द्वितीय ढैया जब मेष राशि में खुद आ जाएंगे और फिर वृषभ राशि पर भी शनि का असर पड़ेगा, उस समय देखिए 2027 में कर्क राशि में, 28 में सिंह राशि में, 29 में कन्या राशि में बृहस्पति बैठेंगे आकर के, और इन तीनों घरों में बैठ करके बृहस्पति देखिए उनकी दृष्टियां 5वीं 7वीं 9वीं सब आपको धन का लाभ कराएंगी। जो शनि महाराज आपका धन नष्ट कराएंगे, मेष राशि में शनि आ गए, मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, नीच मतलब आपकी लगन में बैठेंगे, शरीर को आपको बीमार डालेंगे, आपकी बीमारियां जो लंबी चौड़ी चली आ रही थी उनको दोबारा असर डालेंगे आप, तो धन का खर्चा फिर होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ शनि कृपा करेंगे अगर आपने अच्छा काम किया तो, लेकिन बृहस्पति फिर भी आपको मदद करेंगे, तो बृहस्पति आपको जो है यानी कन्या कर्क राशि सिंह राशि कन्या राशि में बैठ करके, और 2030 में जब शनि आएंगे वृषभ राशि में, उस समय जो है 2030 में तुला राशि में बृहस्पति होंगे, शुक्र की राशि में होंगे, और तुला राशि में देखिए यानी 7वें भाव में बृहस्पति होंगे तुला राशि में, और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 11वें भाव पर पड़ेगी, लाभ भाव पर पड़ेगी, लाभ ही लाभ यानी धन ही धन होता है, 5, 6, 7 लग्न पर दृष्टि पड़ेगी और पराक्रम भाव पड़ेगी, तो ये दृष्टियां बृहस्पति की फिर आपको धन दिलाएगी, और लग्न पर पड़ेगी तो शरीर को स्वस्थ बनाएगी, यानी शनि को खुद देखेंगे जहाँ शनि बैठे होंगे, तो शनि अगर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अरे बृहस्पति तो देव गुरु है, किसी का बुरा नहीं चाहते, तो बृहस्पति आपको धन लाभ कर रहे होंगे, सुख दे रहे होंगे, और शरीर को भी अच्छा बनाएंगे, धार्मिक प्रवृत्ति बनाएंगे, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, शनि की निगेटिविटी खत्म होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि शनि अपने 7.5 साल में जब जब आपको अपनी पूरी 7.5 साल में, अभी तो तीसरी दहिया में आएंगे लास्ट में, यानी जब मेष के बाद वृषभ राशि में 2030 में आ जाएंगे और 2032 तक यही रहेंगे, फिर 32 में जाएंगे मिथुन में, तो 2030 में जब वृषभ राशि में आ गए शनि यानी तीसरी दहिया आ गई, तो उस तीसरी दहिया में वैसे भी कहते हैं कि जाते हैं वो शनि अच्छे ही करके जाते हैं, लाभ देकर जाते हैं, और मैं बता रहा हूँ आपको कि 30, 31, 32 में बृहस्पति तुला राशि वृश्चिक राशि और धनु राशि में होंगे, तो 32 में आप देखिए धनु राशि में, धनु राशि का मतलब नमा भाव, नमा भाव का मतलब भाग्य भाव, भाग्य भाव में बृहस्पति जब आ गए अपनी राशि में, तो अपनी राशि में बृहस्पति बैठ करके भाई भाग्य वर्धन करेंगे, आपका भाग्य आसमान छुएगा और आपको अनायास ही लाभ ही लाभ मिलेगा, बिना परिश्रम के धन कमाएंगे, बिना ज्यादा मेहनत के धन कमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बृहस्पति धनु राशि में आ गए, धनु राशि के सन 32 में, और धनु राशि में आ गए जब 1, 2, 3, 4, 5 लग्न को देखेंगे, 6, 7 तीसरे को देखेंगे और संतान भाव को देखेंगे, तो संतान को तरक्की 32 में आप देखिए शनि उतरते उतरते जो है बहुत तगड़ा लाभ मिलेगा 2025 से लेकर के 2032 तक। और देखिए आप देखिए अब वृषभ राशि में रहे 2030 से, तो तुला में और वृश्चिक में रहे
तो तुला राशि मैंने बता दिया, वृश्चिक राशि आठवीं राशि है, तो जब 31 में वृश्चिक राशि में बृहस्पति रहेंगे तो बृहस्पति वहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धन भाव को देखेंगे और सुख भाव को देखेंगे, अच्छी तरह से सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे। आप जो कुछ सुख साधन खरीदना चाहते हैं बृहस्पति इतना धन देंगे आपको, गाड़ी बंगला मकान का जीर्णोद्धार करना है आपको या नई गाड़ी खरीदना है या मकान में नया कुछ कराना है सब करा सकते हैं। और परिश्रम और देखिए धन वापस रखनी पड़ेगी तो धन तो आना ही आना है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो साढ़े साथी है आपकी मेष राशि वालों, जो 29 मार्च 2025 से शनि के मीन राशि में प्रवेश करने से आ रही है, पहली ढैया दूसरी ढैया वृषभ राशि में जब आ जाएंगे, नहीं मेष राशि में जब आ जाएंगे, और आखिरी ढैया जब वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो शनि के साढ़े ढाई 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 तीनों चरण जो है मेष राशि वालों को तो बृहस्पति की कृपा, क्यों बृहस्पति देव गुरु हैं, देव गुरु हरेक को कृपा ही करते हैं, देव गुरु नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ बार में बृहस्पति खर्चा थोड़ा कराते हैं, बार में भाव खर्चे का ही है, तो बार में बृहस्पति तो आपको बीमारियों का अस्पतालों का खर्चा कराएंगे, आपको डॉक्टरों के अस्पतालों में जाना पड़ सकता है, तो वो तो खर्चा कराते हैं, बाकी भाव में बृहस्पति आपको धन का, देखिए आपके आपको बुद्धि विवेक वाले कामों से लाभ दिलाएंगे, आपका ज्ञान वर्धन करेंगे, आपको धन देंगे। इसीलिए तो शनि की आपकी साढ़े साथी मेष राशि वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों को सुधार लो और पूरे साढ़े सात साल 2032 तक भगवान का भजन करो, आनंद करो, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। शनिदेव आपको जाते जाते बहुत बढ़िया आपका काम करके जाएंगे, आपके शरीर की बीमारियां दूर करके जाएंगे, आपको संतानों को लाभ देके जाएंगे, आपको खुद धन पदवी मान सम्मान देके जाएंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शनि शत्रु नहीं है, शनि आपके मित्र हैं, बशर्ते आप अपने कर्मों को सुधारें, आलस को त्याग करें। तो मित्रों मेष राशि वालों खुश हो जाओ, भगवान का नाम लो, अपने कर्मों को सुधार लो, और ये साढ़े साथी जो आपकी शुरू होने वाली है 29 मार्च 2025 से, उसका सामना करने के लिए अपने को तैयार करो, तभी तो आपको लाभ मिलेगा। मित्रों मित्रों अब देखिए मैं बता देता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप कृपया करके उसको सब्सक्राइब करें, देखिए सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है तो लाइक करें, लाइक करेंगे तो मुझे भी खुशी अच्छा लगेगा। मित्रों